तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने की स्पीड मैट्रिक्स विदिक मैट्रिक्स। ये ट्रिक बहुत यूजफुल है, स्पेशली अगर आप कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर आ रहा है। 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर जो है हम नॉर्मल मेथड से निकालेंगे, आपको पता है कितना टाइम लगता है। डेफिनेटली ये आपका टाइम बचाएगी, बस देरी है इसे समझने की। तो चलिए इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हमें किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करिए, ये दो नंबर का पेयर बना लीजिए और ये नंबर अलग कर लीजिए। और अब सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब उसके बाद इस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 3 36। अब उस 36 का डबल कर दो, यानी इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 × 2 कितना आएगा, 72 आएगा। तो 72 का मुझे सिर्फ ये 2 लिखना है और 7 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब उसके बाद लास्ट में जो हमने पेयर बनाया था 12 का, उसका स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में मुझे 7 को ऐड कर लेना है तो कितना आएगा, 151 आएगा। यहाँ लिख लीजिए 151, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब मान लीजिए कि कभी मुझे जरूरत पड़ती है 142 का स्क्वायर निकालने की, आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से दो डिजिट का पेयर बना लो, 14 और 2 अलग कर दो। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर इस मिडिल में क्या लिखना है, 14 × 2, 14 × 2 होता है 28, उस 28 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 × 2 होता है 56। तो यहाँ पे मुझे 56 में से सिर्फ 6 लिखना है, 5 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब लास्ट में क्या करना है, इस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में मुझे इस वाले 5 को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 201 आएगा। यहाँ लिख लीजिए 201। तो ये हो गया इस नंबर का स्क्वायर, बहुत ही सीधी सादी सी मेथड है और सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक नंबर पे से लगाया जा सकता है। अब सपोज हमें 132 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले क्या करिए, स्टार्टिंग से दो डिजिट का पेयर बना लीजिए और ये 2 अलग कर लीजिए। अभी जो 2 है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मिडिल में क्या लिखना है, 13 और 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 × 2 क्या होता है, 26 होता है। अब 26 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि डबल कर लो, तो 26 का डबल क्या होगा, 52 होगा। 52 का मुझे सिर्फ 2 यहाँ लिखना है, 5 जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। अब लास्ट में जो हमने पेयर बनाया था 13 का, उस 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। 169 में मैं 5 को ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। तो ये 174 आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये है का स्क्वायर। चलिए हम अपना नेक्स्ट नंबर लेते हैं, सपोज हमें 154 का स्क्वायर निकालना है। अगर मुझे 154 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले इन दो नंबर का पेयर बनाना है, 15 और ये 4 अलग रहेगा। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन मैं सिर्फ 6 लिखूंगी, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद मिडिल में क्या करना है, ये 15 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 4 होता है 60, 60 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 62 जा होता है 120, और 120 में हम इस 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, 120 121। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट लिख सकते हैं तो हम 1 लिखेंगे और ये जो आपका 12 है ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अब लास्ट में 15 का स्क्वायर यहाँ लिखना है, 15 का स्क्वायर होता है 225 225, में बस ये 12 ऐड कर लो, तो 225 में जब मैं 12 ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा, 237 आएगा, 237। एंड ये है आपके 154 का स्क्वायर। तो 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर ऐसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज मुझे 172 का स्क्वायर निकालना है, पहले आप क्या करिए, इसका पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। अब ध्यान से देखिए मिडिल में क्या लिखना है, 17 × 2, 34, 17 × 2 कितना हुआ, 34, 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 68 का हमें सिर्फ 8 लिखना है, 6 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब लास्ट में क्या करना है, ये जो आपका 17 है ना उसका स्क्वायर लिखना है, 17 का स्क्वायर होता है 289, अब इस 289 में मुझे 6 को ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा, 295 295। ये है 172 का स्क्वायर। देखा कितनी आसानी से 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। मान लीजिए मुझे 183 का स्क्वायर निकालना है, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ये इसका अलग कर देना है और 3 अलग कर देना है, यानी 1 और 8 का पेयर हो गया, ठीक। अब क्या करना है, ये जो 3 है ना, 3 का स्क्वायर लिखिए 9, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, पहले 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9। और अब बीच में क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, 18 × 3, 18 × 3 होता है हमारा 54, और 54 × 2 होता है हमारा 108।
108 में मुझे सिर्फ 8 यहाँ लिखना है और 10 जो है अगली बार ऐड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड एट लास्ट 18 का स्क्वायर होता है 324 में मुझे इस 10 को ऐड करना है, तो कितना आएगा, 334 आएगा, 334, ये हो गया इसका आंसर। मान लीजिए मुझे 127 का स्क्वायर निकालना है। थ्री डिजिट नंबर का स्क्वायर इतना आसान नहीं होता है निकालना, लेकिन इस ट्रिक से आप सिंगल हैंडेड सिर्फ एक ही स्टेप में इसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों का पेयर बनाइए और इसको अलग कर दीजिए। फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 का हम 9 लिखेंगे, 4 अगली बार ऐड होगा, कैरी फॉरवर्ड। बीच में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 12 × 7, 12 × 7 = 84, 84 को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 168 आएगा। 168 में मुझे इस 4 को ऐड करना है, 68 में मुझे इस 4 को ऐड करना है, ये आ जाएगा 172, उसका सिर्फ 2 लिखिएगा और 17 अगली बार ऐड होगा। तो एट लास्ट 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 में मुझे इस 17 को ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 161, तो देखिए 16129, ये हो गया इसका स्क्वायर, ये 129, ये हो गया 127 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करिए, 11 अलग कर लीजिए और 8 अलग कर लीजिए। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, कितना होता है 64 का 4 लिखना है, 6 कैरी फॉरवर्ड, ओके। अब बीच में क्या करना है, 11 × 8 होता है 88, अब 88 का डबल कर दो, 88 को डबल करेंगे 176 में इस 6 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 182 में मैं 2 यहाँ लिखूंगी एंड 18 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड लास्ट में इस 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और उसमें मुझे इस 18 को ऐड कर देना है, ये आएगा 139, 13924, ये है 118 का स्क्वायर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि थ्री डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने की ये ट्रिक अब आपको समझ आ गई होगी, और इसका पार्ट 2 लेके हम बाद में आएंगे जिसमें हम एक और अप्रोच बताएंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एंड वैदिक मैथ्स फास्ट कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज जारी रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स दीदी को अगर आप यहाँ नए हैं, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय फॉर नाउ।